हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अपने आईपैड 9th जनरेशन का, जो कि मैंने अभी फ्लिपकार्ट की जो है दिवाली सेल में परचेज किया है। एंड दोस्तों, एज एन आर्टिस्ट मैं जो है सबसे पहली बात बता दूं कि मैं एज एन आर्टिस्ट जो है एक आईपैड का रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे रिव्यू आपने दोस्तों देखे होंगे जो कि एक जनरल बेस्ड है। बहुत सारी टेक वीडियोस हैं जो कि भाई बताती हैं कि A13 बायोनिक चिप है इसके अंदर, एंड एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी चीजें हैं वो सब चीजें तो चलो मैं डिस्कस करूंगा ही आपके साथ, बट एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं, तो एज एन आर्टिस्ट ये आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल है, क्या आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं आईपैड के बारे में। तो सबसे पहले बात दोस्तों करते हैं इसके जनरल रिव्यू की कि ये है क्या, आईपैड बेसिकली है क्या 9th जनरेशन। तो दोस्तों, ये 9th जनरेशन जो है आया था जब अपना iPhone 11 आया था, तो ये अराउंड 2019 की बात है। तो A13 दोस्तों इसके अंदर बायोनिक चिप है, तो प्रोसेसर वगैरह इतना स्लो बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम पे भी अगर आप iPhone 11 यूज करते हैं तो बहुत ही बढ़िया जो है दोस्तों फोन है, और आजकल उसका कंपेरिजन यार 16 वालों के साथ चल ही रहा है, राइट। तो बाकी जो इसका डिजाइन है, डिजाइन बहुत ही बढ़िया दोस्तों, एकदम पतला है। आपको अगर मैं दिखाऊं, एकदम पतला फ्रेम है, हाथ में एकदम कंफर्टेबल है। पीछे एप्पल का लोगो में जो है देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, एंड आईपैड यहाँ लिखा हुआ है। बाकी इसमें आपको मिलती है टच आईडी, जी हाँ, टच आईडी, और टच आईडी बहुत ही फास्ट है दोस्तों। मतलब मैं इसको जैसे ही ऊपर एक बटन है अपना पावर बटन, इसको हम ऑफ कर सकते हैं, एंड जैसे ही मैंने इसको अपना प्रेस किया ये ऑन हो गया। तो टच आईडी बहुत ही फास्ट काम करती है, नो डाउट। तो अगर हम कंसिडर करते हैं इसको आज के टाइम पे, यानी कि 24 में, तो बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है। ऐसा बहुत ज्यादा स्लो वर्क बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, राइट। एंड बाकी आपको जो है इसमें अप एंड डाउन का वॉल्यूम का सिस्टम मिलता है, और एक जो बहुत पुरानी चीज जो मिस हो चुकी है दोस्तों आज के टाइम पे, हेडफोन जैक 3.5 mm, ये भी इसके अंदर आपको मिलता है। तो अगर आपको एज एन आर्टिस्ट भाई शौक है ना, कई बार हम क्या होता है कि वायर्ड जो है हेडफोन्स प्रेफर करते हैं, तो हेडफोन और ईयरफोन दोनों ही चीजों के लिए 3.5 mm बेस्ट है इसके लिए। आप लगाइए और अपना जो है गाना सुनते हुए अपने काम करना शुरू करिए। तो अब ये तो थी दोस्तों नॉर्मल इसकी जनरल बातें। अब बात करते हैं एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी तक अपने जो जितने भी डिजिटल आर्टवर्क्स किए हैं, मैंने अभी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अपने डिजिटल आर्टवर्क। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, एक पॉइंट रह गया बीच में कि आईपैड के साथ आपकी एक्सेसरीज क्या क्या लगती है। तो मेन तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर लगवाया अपना टेम्पर्ड, ठीक है। टेम्पर्ड तो बहुत जरूरी है यार, फोन के ऊपर भी मैंने लगवाना पड़ता है। और साथ ही मैंने जो है अपना ये एक फ्लिप केस लिया है, विंसेंट वैंगो पेंटिंग के साथ, यार बहुत ही बढ़िया था ये, और अमेजोन से मुझे ना काफी सस्ता ही पड़ा है, 550 रुपये का मुझे मिल गया। बाकी बाहर दोस्तों यार बहुत महंगे कवर मिलते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ना ही लें बाहर से, तो बेटर है। अब ये मैं जो है इसमें लगा लेता हूँ, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल है, अच्छे तरीके से इसके अंदर फिट हो गया है, और इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं ना, जैसे हाथ में किताब लेके आप चल रहे हो। लाइव स्केचिंग के लिए अगर आपको बाहर जाना है उसके लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल है। लाइक अब मैं अभी विंटर सीजन में जैसे ही थोड़ा सा और पीक पे आएगा, तो बाहर जाके मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों आईपैड कितना ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और इसमें इसके साथ एज एन आर्टिस्ट जो सबसे जरूरी चीज है भाई, वो है आपके पास ये पेंसिल। जी हाँ दोस्तों, ये है पेंसिल, और ये एप्पल पेंसिल नहीं है, ये मैंने ली है अमेजोन की पेंसिल है। तो अमेजोन ने जो है अपना 2nd जनरेशन है ये इस पेंसिल का, और जो है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये पेंसिल है। मतलब मैं इसको जितना यूज कर रहा हूँ ना अभी करंटली, ये मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है। प्रेशर सेंसिटिविटी तो आपको नहीं मिलेगी, वो तो लाइक आपको एप्पल पेंसिल 2nd जनरेशन में और आईपैड एयर, आईपैड प्रो अगर आप यूज करते हैं तो आपको चीज वो मिलती है। बट आईपैड 9th जनरेशन के साथ आपकी सपोर्टेबल जो पेंसिल है वो है एप्पल पेंसिल 1st जनरेशन, राइट। तो उस हिसाब से दोस्तों ये पेंसिल बहुत किफायती है। लाइक ये मुझे 1500 के अराउंड मिल गई थी अमेजोन से। एंड चलिए अब इसका यूज भी देखते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सी ऐप यूज करता हूँ अपनी स्केचिंग के लिए ऑन आईपैड, एंड आप लोग भी किस तरीके से अपनी डिजिटल स्केचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं मेरे आर्टवर्क। तो सबसे पहले दोस्तों अपना जो है आईपैड आप ओपन करिए, देखिए ओपन करने का भी एक अपना अलग ही मजा है आईपैड को। तो ओपन कर गया दोस्तों, अब ये मैं जो आपको ऐप दिखाता हूँ, देखिए ये मेन जो है दो ऐप हैं। पेंसिल को भी दोस्तों मैं दिखा देता हूँ कैसे स्टार्ट होती है। डबल टैप आप इस तरीके से करेंगे पीछे, तो ये ब्लू लाइट आपको जो है नज़र आएंगी, और पेंसिल का दोस्तों बहुत बढ़िया रोल है। तो ये है दोस्तों दो ऐप, स्केचबुक एंड ये अपनी स्केचेज़, ये दोनों ही ऐप दोस्तों फ्री हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी मैं करंटली इस रेफरेंस के ऊपर दोस्तों काम कर रहा हूँ, एंड जो मेरे बाकी स्केचेज हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी साथ साथ इसमें ये सेव टू गैलरी का ऑप्शन आता है कि अपने आर्टवर्क्स को आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं,
एंड बाकी जो है दोस्तों मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि पेंसिल ब्रश क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए शीट को पूरे ओवरऑल गायब करने का तरीका, और ये है दोस्तों पेंसिल का ऑप्शन। इसमें पेंसिल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको पेंसिल मिल जाती है। शीट को बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आपको करना है, और इसी पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको ऑप्शन मिल जाता है कि भाई आपको उसकी थिकनेस कितनी मोटी करनी है ना, साइज़ कितना बड़ा रखना है। तो ये देखिए, एंड आपको कलर अगर इसका चेंज करना है वो भी आप यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए थिकनेस वगैरह आप इस तरीके से यूज़ करके अंडू करना है, फिर अंडू कर दीजिए। सबसे बेस्ट जो पार्ट है ना भाई आईपैड का वो यही है कि यार अपना अपनी गलतियों को अंडू कर सकते हैं बढ़िया तरीके से डिजिटल आर्ट वर्क्स में। तो साइज़ जैसे मैंने यहाँ पतला कर दिया है, और पतला करने के बाद ओपेक्सिटी बढ़ा दी है, तो लाइनिंग आप देख सकते हैं ओपेक्सिटी जो है ज़्यादा कर देने के बाद एकदम शार्प अच्छे तरीके से जो है नज़र आ रही है क्लियर। अब ये सब चीज़ें हो जाने के बाद आप इसमें जो है डिटेल जितना ज़्यादा बारीकियों से आप काम करना चाहें ना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ब्रश का ऑप्शन आता है, तो ये जो ब्रश का भी ऑप्शन है हमारे पास, ब्रश को भी जो है बढ़िया तरीके से भाई साइज़ के अकॉर्डिंगली अपने यूज़ करिए। और एयर ब्रश है दोस्तों ये, जैसे रियल लाइफ में भी अगर आपने एयर ब्रश के बारे में सुना हो, बहुत सारे आर्टिस्ट जो है इसको यूज़ करते हैं एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। बहुत बढ़िया यार यूज़ आ रहा है इसमें ना। और अब इसमें जैसे भाई ये मेरे आर्टवर्क्स है कुछ, मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ, ये मेरे आर्टवर्क्स इसी पे आईपैड पे बनाए हैं। ये देखिए किस तरीके से दोस्तों, कितनी डिटेलिंग और कितना मज़ा है दोस्तों अपने ही आर्टवर्क्स को इसमें देखने का। अब इसका मुझे ना प्रिंट आउट और निकलवाना है, बस प्रिंट आउट जो है निकलवा के मैं आपको दिखाऊंगा इसका कैसे निकलता है। और बाकी इसमें दोस्तों मैं जो है बाकी आर्टवर्क्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आर्टवर्क्स आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसके ऊपर अगर मुझे कुछ काम करना है ना तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल अपना सेव करने के बाद रेफरेंस को कर सकता हूँ। तो ये जितने भी आर्टवर्क्स दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने अभी 4 से 5 बढ़िया आर्टवर्क्स जो है इस पर बना लिए हैं। ये सारे आर्टवर्क्स करने में दोस्तों मुझे बहुत मज़ा आया। ये मेरे स्टार्टिंग के आर्टवर्क्स हैं जिससे मैंने सीख रहा था कि किस तरीके से भाई इन ऐप पे जो है मुझे काम करना चाहिए। तो ये दोस्तों देखिए मेरा फेवरेट वन जो मैंने जो है जब बनाना शुरू किया था, तो यार मुझे खुद को जो है बहुत मज़ा आया था। ब्लू शेड्स और ये जो पिंक कलर है ना बहुत अट्रैक्टिव है। अब इसके साथ साथ दोस्तों अब देखिए जैसे ये दूसरी ऐप है स्केचेस, और ये मेरे ख्याल से दोस्तों जैपनीज़ ऐप है, जैसे टाया सुई ऊपर लिखा हुआ है ना, तो जिस तरीके से मतलब टाइम में मुझे लगता है शायद वैसी ऐप है। इस पर भी मैंने ये 2 आर्टवर्क्स किए थे, हनुमान जी और ये ऊपर कैंडल्स। अब इसमें जो है आपको देखिए इस तरीके से इंटरफेस मिलता है, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल आपके पास इसमें, लेकिन ऑप्शन दोस्तों कम है। इसका यूज़ ना मुझे ज़्यादा बढ़िया उससे नहीं लगा स्केच बुक वाली ऐप से, बट बाकी इसमें दोस्तों अपना अलग मज़ा है इसका। जैसे इसमें आप देखिए पेंसिल की साइज़ और चीज़ें बढ़ाना, ओपेसिटी का ऑप्शन इसमें अलग तरीके से आता है, उसमें इंटरफेस अलग है। और इसमें जो है दोस्तों अभी देखिए ये पेंसिल चल रही है ना, इसमें जो पेस्टल है ना ये, इसका दोस्तों अलग मज़ा है यार। मुझे ना इसमें ये पेस्टल शेड बड़ा बढ़िया लगता है इसको चलाने में। अब इसको तो जैसे मैं यूज़ भी कर रहा हूँ ना, अब यूज़ करते टाइम मेरे को सही में ऐसा फील आ रहा है कि मैं ना कोई ऑयल पेस्टल ही अपना चला रहा हूँ अपनी जो है शीट के ऊपर। और ये पेस्टल दोस्तों मैं मुझे इतना पसंद है ना, मैं सोच रहा हूँ इसमें यार कोई ना कोई शेड अपना आर्टवर्क ज़रूर बनाऊँगा और उसका प्रिंट आउट निकलवा के फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए बढ़िया तरीके से भाई हमारा जो काम है वो हो रहा है। एंड आपको दोस्तों कैसा लग रहा है ये देख करके कि भाई एक आईपैड एक आर्टिस्ट के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, कि आपको सच में ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आईपैड लेना चाहिए दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था दोस्तों यूज़ एक जनरल पर्पज़ से, एज एन आर्टिस्ट आप जो है ये दोनों ऐप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये देखिए यूट्यूब की आवाज़ कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए। आवाज़ वगैरह भी दोस्तों जो है बहुत बढ़िया है आपने जो है इसकी। अब बाकी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो सैंपल एंड दोस्तों अपना जो है फोटोग्राफ किस तरीके से आती हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ, एंड देन फिर आप मुझे बताइएगा इसके अकॉर्डिंग कैसा आपको जो है ये ओवरऑल रिव्यू लगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो दोस्तों पेंसिल को रख करके भाई अपना जो है आईपैड के इस कवर के अंदर अब मैं जो आपको सैंपल करता हूँ दोस्तों, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है अपने फ़ोन आईपैड पे। तो ये देखिए इसमें आपको सैंपल दिखाई देगा, ये बाहर मैंने डे लाइट में अपनी जो है पहले पिक्स जो है इस पर क्लिक की हैं, और किस तरीके की क्लियरिटी आ रही है दोस्तों ये आपको दिख ही रहा होगा। बाकी वीडियो सैंपल अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की वीडियो जो है सैंपल आपको देखने को मिलता है। डे लाइट में दोस्तों नो डाउट इतना ज़्यादा बेकार कैमरा नहीं है, नॉर्मल आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, है ना। और बाकी दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई फाई चाहिए तो उसके लिए आईपैड एयर आईपैड प्रो भी है। बाकी फ्रंट कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, फ्रंट कैमरे का जो है क्लैरिटी किस तरीके से है, क्योंकि डे लाइट के अंदर ना आईपैड आपको अच्छी जो है क्लैरिटी और अच्छी जो है फीचर्स आपको दे देगा, मतलब ऑप्शन अच्छा है। अब किस तरीके से दोस्तों देखिए इसमें क्लैरिटी आ रही है, अब जैसे ही मैं अंधेरे में जाऊँगा अंदर कमरे में जाऊँगा तो जो एक ब्लरनेस है जो क्लैरिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो आप देखेंगे।
कि जैसे हम डेलाइट से अपने कमरे में आए तो हल्का सा जो है चीज़ें थोड़ी सी ब्लर होनी शुरू हो गई हैं, एंड उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है बट काफ़ी अच्छी जो है क्लियरिटी है, मतलब ठीक ठाक है। पीछे मेरी पेंटिंग है दोस्तों, जो मेरी ऑयल पेंटिंग फ़िलहाल चल रही है, एंड ये है दोस्तों इसका एक वीडियो एग्जाम्पल। राइट, तो ये थी दोस्तों मेरी आईपैड 9th जनरेशन की रिव्यू एज एन आर्टिस्ट। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें दोस्तों रह भी गई हों, है ना। तो आईपैड के ऊपर दोस्तों अगर आपको एक पूरा ट्यूटोरियल का वीडियो चाहिए कि मैं ड्राइंग को शुरू कैसे करता हूँ एंड किस तरीके से मेरी एक अप्रोच रहती है, तो उसके लिए भी दोस्तों आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, तो ताकि मैं उसके ऊपर दोस्तों एक प्रॉपर ट्यूटोरियल जो है आईपैड के ऊपर बनाऊँ। और अभी दोस्तों इसको लिए हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, मतलब लाइक 1 महीना भी सही से नहीं हुआ है। सो अभी तो दोस्तों और ज़्यादा यूज़ करना है मुझे। राइट, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से इसकी बाकी अपकमिंग वीडियोस के साथ। बाकी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।